ये दोस्तों द्विघात समीकरण अब स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा। जैसे हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बना दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल जो है ना, उसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये सब बना दिए हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बना रहे हैं पूरा ऑब्जेक्टिव ए टू जेड, जो आप लोगों को एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण का, ठीक है। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण का, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² + 3x - 4 बराबर 0, तो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा तथा बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा पी एक्स बराबर दिया है 2x² + 3x - 4 दिया है, ठीक है। -4 दिया, हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। आप लोगों को जो बहुपद था उसमें हम सब चीज़ बता दिए हैं, उसको देखिएगा। जो आप लोग नए होंगे उस देखिएगा, उस सब पूरा उसमें सब चीज़ हम बताए हैं, उसमें एकदम सिंपल वे में कैसे क्या होता है। हालांकि इसमें भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसमें a1 बराबर लिखेंगे, a = 2 है, b = देखिए यहाँ पे 3 है, और c = मान लेंगे यहाँ पे क्या है, -4 है। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है, ठीक है। तो देखिए -b यानी देखिए b = कितना है, 3 है, तो -3 बाई a = कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -3/2 हो जाएगा। अल्फा शून्यकों का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो 1/-3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। आइए देखते हैं ये लोग क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सिंपल वे में बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे दो नंबर है, कह रहा है x², तो x² + x - 2 = 0, तो कह रहा है 1/α + 1/β का मान निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए a = 1 लिख देंगे, b = 1, और c = क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए b = कितना है, b = 1, तो -1 दे देंगे, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन का माइनस है, और ये 1 1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो c/a। देखिए c = कितना है, -2, और a = कितना है, 1, तो 1 = क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए हमको पूछा क्या है कि 1/α + 1/β का मान, यानी 1/α + 1/β का मान पूछा है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा, बीटा, तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा, अल्फा, तो अल्फा। तो इसको सीधा कर देते हैं, α + β/α (β), यानी α + β का मान कितना रहा है, α + β का मान -1, और α × β का मान क्या है, -2, तो -2 कट जाएगा, यानी कितना जाएगा, 1/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया है, मिटक गया है ना, ए नंबर ऑप्शन 1/2 दिया है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए देखिए यहाँ पे आंसर में भी देख लीजिए आप लोग, 2 का a नंबर दिया है, है ना, 2 का a नंबर। आइए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, 0 से बड़ा होने पर, तो वहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, आप लोग देखिएगा उला एकदम आसानी से खूब बढ़िया, उसमें जो हम पूरा नोट्स में उसमें दिए थे, है ना, नोट्स दिए थे, आप लोग देखिएगा नोट्स में सब लिखा गया है। देखिए इसका हो जाता है वास्तविक तथा भिन्न हो जाता है, ठीक है। जब द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो, यानी d > 0, है ना, 0 से बड़ा हो, विवेचक इसी को कहते हैं, d को विवेचक कहते हैं ना,
तो मतलब b बराबर d बराबर होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है 4ac। तो अगर इसका मान d से अगर बड़ा होता है तो ये जो होता है वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है वास्तविक और भिन्न। तो इसका आंसर जो होगा वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है वास्तविक और भिन्न होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, 4 नंबर देखिएगा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x + 1 बटा 3 = 0, तो विवेचक का मान क्या होगा। आप लोगों को बताया था कि विवेचक किसे कहते हैं, डी को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² माइनस 2x + 1 बटा 3 = 0 है ना। तो हम लोगों को विवेचक मतलब क्या बताए थे, डी, डी बराबर, तो यहाँ पर डी बराबर लिख देंगे। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी हमारा कितना है, माइनस का 2, तो बी माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए बराबर कितना दिया है 3, तो ए बराबर 3 ए। सी बराबर कितना दिया है 1/3, तो 1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 × 2 = 4 प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 = 0 हो जाएगा, यानी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो वही पूछ रहा है कि विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक का मान जो है हमारा हो जाएगा इसमें देखिए 0, ए नंबर ऑप्शन 0 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण है ना, जिसका भी घात 2 है वही द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसका मान, देखिए इसको अगर तोड़ेंगे ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये x^4 आ जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये एक्स एक्स कट जाएगा। देखिए x² इधर भी आ जाएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तो रैखिक रैखिक समीकरण है ना। ये जो है x² माइनस bx + c है, तो यही जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, बी नंबर ऑप्शन x² माइनस bx + c जो है हमारा द्विघात समीकरण होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0, तो मूलों के प्राकृतिक होंगे। देखिए मूलों के प्राकृतिक होने के लिए डी निकालना पड़ता है, ठीक है आप लोगों को थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मूलों का प्राकृतिक होने के लिए, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए इसको आप लोग याद रखिएगा, अगर डी बराबर, देखिए अगर डी इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल ज्ञात करना संभव है। अगर डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान अधिक है, पॉजिटिव में आएगा, 0 से मतलब अधिक है, पॉजिटिव में आएगा, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान के मतलब क्या, भिन्न होंगे, ठीक है, और मूल ज्ञात करना संभव है। उसके बाद अगर डी इज लेस देन 0 होगा, डी इज लेस देन 0 यानी माइनस होगा, निगेटिव में आएगा, यह कहेगा मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे और मूल ज्ञात करना असंभव है। इसका मूल जो है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना, यहाँ से मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना लिख के, और अगर डी बराबर 0 हो, डी इज ग्रेटर देन 0 हो और डी इज लेस देन 0 हो, तो इसका ये सब लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है इसी से हम लोग याद करेंगे। देखिए दिखा रहे हैं आपका, देखिए कह रहा था कि x² + x - 2 = 0, तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, तो मूलों का प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हमको डी पहले निकालना है ना। तो जब डी निकालेंगे तो देखिए जब डी निकालेंगे तो डी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए इसमें बी क्या है, बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1² माइनस का 4, ए बराबर क्या है 1, और सी बराबर कितना है माइनस का 1, यानी क्या हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि डी डी जो है हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब डी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो बोलेंगे कि 5 > 0, 0 से बड़ा है 5, जब 0 से 5 बड़ा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे कि क्या होंगे। तो यहाँ पे हम दिखाए हैं आप लोगों को कि अगर d ग्रेटर होगा तो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए d इज, देखिए यहाँ पे देखिए d, अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो बस इसी को लिख देंगे कि मूल वास्तविक और असमान। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में भी दिया है वास्तविक और असमान होंगे, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, तो असमान होंगे।
असमान होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण कह रहा है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं होने का शर्त जो है हम लोगों का आ जाएगा ये नहीं हो जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। देखिए किस तरह नहीं है हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसको 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी एक्स प्लस 3 बाई एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे यहाँ पे, इसमें एलसीएम लेंगे तो एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 बराबर एक्स एक्स स्क्वायर है ना। तो अब हो जाएगा हमारा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर एक्स के पावर क्या हो जाएगा क्यूब, इधर गुना हो जाएगा तो एक्स के पावर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए ये जो है पावर इसका क्या आ जा रहा है, क्यूब आ जा रहा है, तो इसीलिए क्यूब आ रहा है। तो ये जो है हमारा क्या होगा कि ये सी नंबर ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी मतलब x रहता है तो उसके ऊपर घात जो है 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम घात 2 रहना चाहिए, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण, त्रिघात कहेंगे उसको कि जिसमें मैक्सिमम पावर जो होता है 3 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण। ये जो होगा द्विघात बहुपद उसी को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो विभक्तिकर है ना, जो d का मान है, बस d का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, बस विभक्तिकर होता है ना विभक्तिकर, तो d का मान देखिए हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए जब d का मान हमको को पूछ रहा है कि इतना का विभक्तिकर क्या होगा, तो d का मान निकालना है, तो जब d का मान निकालना है ना तो हम सिंपल वे में इसको निकाल लेंगे। देखिए d बराबर, यानी d बराबर हम जानते हैं, सबसे पहले इसको देखिए लिख ही लेते हैं a प्लस, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 है ना, और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब c बराबर 4 हो जाएगा तो हमको d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है 1, तो 1, c बराबर कितना है 4, तो 4, यानी कितना 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 4 × 4 = 16, यानी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा है ना 9। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा विभक्तिकर कितना हो जाएगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान जो है सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 7 का C नंबर। उसके बाद देखिए 8 का C नंबर है ना, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = 0 मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा, मूल बराबर है तो मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, सिंपल देखिए बताते हैं इसको। देखिए 9 नंबर क्या पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = 0 तो मूल बराबर हो तो पी का मान, तो देखिए पी का मान सिंपल वे में पी का मान निकालना है। सबसे पहले हम देखिए विभक्तिकर मतलब 0 हो, सुने बोला है ना मूल बराबर हो, तो बराबर हो तो देखिए डी निकाल देते हैं पहले, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी हमारा बी कितना है, बी बी है माइनस का पी, तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 4, ए बराबर कितना है 1, सी बराबर कितना है 4, बस इसको सॉल्व कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस 4 × 4 = 16 हो गया, अब पी बराबर पी स्क्वायर बराबर कर देंगे, उसको इधर भेजेंगे बराबर को उधर, तो 16 आ जाएगा, तो पी बराबर प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा 16, यानी पी बराबर जब निकलेगा पी बराबर तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 4, यानी पी का मान हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 4, पी का मान प्लस माइनस 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 9 का B। 10 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं, देखिए इसमें जो है कह रहा है कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो इसको देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, सॉरी कह रहा है द्विघात समीकरण कौन है, अब आप यहाँ पे सोचिए कि देखिए यहाँ पे 3 है पावर, तो ये तो होगा नहीं है ना, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए अगर इसमें जाते हैं तो देखिए द्विघात समीकरण ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण में आप लोगों को बताए थे कि अगर रूट में एक्स रहेगा तो ये नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसको देखते हैं तो मान लीजिए ये देखिए एक्स के पावर क्यूब है, अगर यहाँ पे इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा, जब एक्स स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा तो ये भी 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब यही हमारा
द्विघात समीकरण है इसको करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर फोर हो जाएगा, एक्स के पावर फोर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको तोड़ के बताएं, बता भी सकते हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, देखिए तो सिंपल आप लोग ऐसे ही दिख रहा है, मान लीजिए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो टूटेगा, तो ए स्क्वायर ना आएगा, जब स्क्वायर आएगा तो इधर माइनस में रहेगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, या इधर माइनस में आएगा तो भी एक्स स्क्वायर होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर को और आएगी, द्विघात में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है, जब द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब है, तो मान लीजिए क्यूब क्यूब यहाँ पे कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण आ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, है ना, द्विघात समीकरण नहीं है कह रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, अगर माइनस करते हैं इधर भेजते हैं तो ये माइनस करते हैं तो ये भी स्क्वायर में तो आ सकता है, इसको देखते हैं नहीं है कह रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आइए देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसको भी ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको मान लीजिए तोड़ते हैं तो ये देखिए, अगर इसको देखिए रूट रूट टू एक्स है, अगर इसको इसको मान लीजिए होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये ए मतलब टू स्क्वायर हो जाएगा, जब टू स्क्वायर ये होगा तो ये भी टू स्क्वायर है, तो टू स्क्वायर से टू स्क्वायर जब कट जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स एक्स का तो यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर सिंपल है, 12 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बराबर जीरो के मूल होंगे, तो मूल होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस माइनस में आएगा, है ना, जब प्लस प्लस यहाँ पे रूट ओवर में आ जाएगा, सॉरी रूट ओवर में प्लस माइनस रूट ओवर में आएगा, तो जब रूट ओवर में आता है कोई भी चीज, जैसे 12 नंबर देखिए हल्का सा आप लोगों को डिनोट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 12 नंबर देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव बराबर जीरो दिया है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ओवर फाइव होगा, जब रूट ओवर फाइव होगा तो रूट जब रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं ना, तो यही हो गया अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए 13 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूलों का योग, देखिए मूल वास्तविक और समान होगा तो मूलों का योग क्या होता है, आप लोग तो पढ़े हैं कि मूलों का योग होता है क्या, माइनस बी बाई ए, मूलों का योग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी बाई ए, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मूलों का क्या पूछ रहा है, समान होंगे, मूल समान होंगे तो मूल होगा, समान होंगे तो मूल होगा, है ना, तो मूल होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, मूल होने के लिए माइनस, अच्छा मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा, तो b बाई टू ए, है ना, b बाई टू ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ना ए नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन होगा, सॉरी सी नंबर ऑप्शन, आप लोगों को इसमें देखते हैं बता दें आप लोगों, देखिए देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि टू ए याद ही कर लीजिए इसको, है ना, मूल वास्तविक और समान होंगे तो मूल होगा, माइनस बी बाई टू ए होता है ना, माइनस बी बाई टू ए, सिंपली आप लोग याद ही कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मूल बराबर हो तो मूल बराबर होंगे तो आपका हो जाएगा क्या, मूल बराबर होने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल बराबर होने के लिए क्या कह रहा है, मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का होता है फोर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर कर देंगे फोर ए सी, इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 14 नंबर हो गया, है ना, 14 नंबर, 15 नंबर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन बता देने का आप लोगों को, और ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत फायदा रहेगा। उसके बाद त्रिभुज है, ट्रायंगल हम आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे बढ़िया से ट्रायंगल, ठीक है, चलिए, थैंक यू।